वेलकम बैक दोस्तों, गुजराती चेस जोन सिसिलियन डिफेंस पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। सिसिलियन डिफेंस का आज पांचवा वीडियो है मेरा, फिफ्थ वीडियो। इसमें मैं खास आपको बताना चाहूँगा सिसिलियन एक्सेलरेटेड ड्रैगन। आजकल बहुत ही फेमस है एक्सेलरेटेड ड्रैगन, और उसमें फिफ्थ मून नाइट C3 के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेटेड ड्रैगन क्या है? तो E4 C5, नाइट F3, नाइट C6, D4, C×D4, नाइट Hd4, नाइट F6, देन नाइट C3 एंड देन G6। दोस्तों ये स्ट्रक्चर हो गया ड्रैगन का, एक्सेलरेटेड ड्रैगन। व्हाइट नाइट टेक्स C6, बी टेक्स C6, आफ्टर बी टेक्स C6 व्हाइट खेलेगा E5, यहां नाइट G8, बिशप C4, बिशप G7, बिशप F4, क्वीन A5, वाइट खेलेगा क्वीन F3, डिस्कवर्ड ऑन F7, यहां आपको बिशप क्रॉस E5, बिशप क्रॉस E5 में एक टैक्टिकल मूव है वाइट के पास। हालांकि व्हाइट बिशप क्रॉस E5 अगर करता है तो क्वीन क्रॉस E5 चेक के साथ हम डिफेंड भी कर लेंगे, लेकिन कई बार व्हाइट यहां पर बिशप सैक्रिफाइस करके खेल सकता है। बिशप F7, किंग टेक्स F7, देन बिशप टेक्स E5 चेक, नाइट F6, सिंपल मूव है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें मटेरियल इक्वल है और सिंपल डेवलपमेंट ब्लैक का फास्ट हो चुका है। हालांकि किंग थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन रुक F8 के बाद किंग G8 और आर्टिफिशियल कैसलिंग करने के बाद ब्लैक की ओर से आप रिवर्स अटैक कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा वेरिएशन देखते हैं एक्सेलरेटेड ड्रैगन में। E4, C5, नाइट F3, नाइट C6, D4, पॉन टेक्स पॉन, नाइट टेक्स D4, देन G6। मैं आपको NF6 से बेटर पहले G6 करना चाहूंगा। G6 में कोई सैक्रिफाइस वाली मूव नहीं आएगी व्हाइट की ओर से। नाइट C3 सिंपल मूवमेंट है, सिंपल डेवलपमेंट है। बिशप G7, व्हाइट खेलेगा बिशप E3, उसके बाद आप नाइट F6 करो, आफ्टर बिशप C4, यहां क्वीन A5, नाइट E4 की थ्रेट है, व्हाइट कैसल करेगा और सिंपल ब्लैक भी कैसल। तो दोनों ओर से एकदम डिफेंडिंग और परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ ये ओपनिंग तैयार हो गई। कैसलिंग के बाद व्हाइट नाइट B3 क्वीन के ऊपर अटैक कर सकता है बेस्ट मूव। क्वीन C7, बिशप G5, B6, F4, नाइट A5, बिशप D5, बिशप A6 काउंटर अटैक के साथ में आपका बिशप डेवलप हो रहा है। बिशप क्रॉस A8 और आप रिप्लाई दे सकते हो बिशप क्रॉस F1, बिशप क्रॉस F6, बिशप क्रॉस F6, नाइट D5 फॉर्क, सिंपल क्वीन B8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रॉन्ग बिशप चला जाने पर भी आप ये गेम काफी हद से इक्वालिटी में रहते हैं। तो ये थी एक्सेलरेटेड ड्रैगन की
पहली लाइन, जो मेन लाइन है मैंने पहले आपको जो लाइन दिखाई है उससे बेटर है ये पोजीशन में। अब आपको चॉइस करना है कि कौन से पोजीशन से आपको खेलना है। तो सिसिलियन डिफेंस में बहुत सारे वेरिएशन है, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें बहुत सारे वीडियो बनेंगे और आपको बहुत सारे वीडियोस देखने भी होंगे। मेरा कोजी बाइंड के बारे में बताना चाहूँगा, मेरा कोजी बाइंड नाम सबने सुना होगा। मेरा कोजी बाइंड क्या होता है, e4 c5, Nf3, Nc6, d4। दोस्तों ज़्यादातर Nf3, Nc6 और d4 इसके बाद ही ओपनिंग के नेम चेंज होते हैं सिसिलियन में, c into d4, और ये सारे मेन मूव है Nf4, g6, और यहाँ पे वाइट जब c4 खेलता है तो इस वेरिएशन का नाम होता है मेरा कोजी बाइंड। C4 के सामने ब्लैक खेलता है Nf6, वाइट खेलता है Nc3 डिफेंड ऑन e4 पॉन। यहाँ पे d6 ये खास जरूरी है, e5 और c5 दोनों को स्टॉप करने की मूव है, और d6 के बाद लाइट स्क्वायर बिशप अटैक में आता है। वाइट खेलेगा f3, नाइट क्रॉस d4 आफ्टर क्वीन क्रॉस d4, बिशप g7 और डिस्कवर की थ्रेट तैयार हो गई। वाइट खेलेगा बिशप e3, हालांकि अभी बिशप अनसपोर्टेड है तो ज़्यादा कोई डैमेज नहीं होगा डिस्कवर्ड अटैक से। बिशप e3 के बाद कैसलिंग, अब आपका बिशप जो g7 में है वो सपोर्टेड हो गया है। तो यहाँ पे क्वीन d2 ये एक बेस्ट मूव है, वरना कभी भी डिस्कवर्ड अटैक में ब्लैक को ज़्यादा एडवांटेज होता है। क्वीन d2 के बाद बिशप e6, रुक c1, ओपन फाइल, हाफ ओपन फाइल में खेलना चाहता है वाइट। क्वीन a5, आप अपनी क्वीन को प्ले में लाइए। बिशप नाइट d5, यहाँ पे क्वीन क्रॉस a2 मार सकते हो। अब ये पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है, सामने आपका भी पॉन e7 का जाता है, Nf7 और किंग h8, यहाँ से अनक्लियर पोजीशन है, कोई भी प्लेयर जीत सकता है, जो ज़्यादा टेक्टिकल मूव करेगा उसकी गेम उसके हाथ में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, बहुत सारे और भी वेरिएशन में लेके आऊँगा आपके सामने, सिसिलियन कान, सिसिलियन टाइमानो, लाइन्स विथ BB5+ और कैस क्लासिकल, बहुत सारे हैं सिसिलियन में जिसकी पूरी एक किताब बहुत इतनी जारी बन जाए। सारे मूव्स आप लिख लीजिए अपने बुक में और जो वेरिएशन आपको पसंद है वो तैयार कीजिए। मैंने अलग अलग बहुत सारे वेरिएशन ब्लैक से आपको बताए हैं और भी बताने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अभी जो फेमस है वो एक्सेलरेटेड ड्रैगन है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डीप में उसके बारे में बताया है, तो वो वीडियो देख के आप वो लाइन तैयार करके अच्छे से ब्लैक से खेल सकते हैं। दोस्तों जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।